कार्यक्रम के पुण्यार्जक है। आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ धर्नेन्द्र पद्मावती धाम समिति निर्भय एन्क्लेव खेकड़ा बागपत।
अपने घर में मैया की जोत जलाते हैं वो बहुत ही पुण्यशाली होते हैं। वो जो मैया के चरणों में आते हैं और सरस्वती माता के चरणों में आके अपनी हाजिर लगाते हैं उनका भी पुण्य अपने आप में बहुत उत्तम है। तो मैया से कहिए वो पुण्यवान है।
एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सीनियर्स क्रिश्चियंस के लिए बजा दीजिए, स्वागत है भैया, और जोरदार तालियां हमारे शुक्रिया और सब भैया के लिए। नमो अरिहंता नमो।
क्लियर आ रही है आपके पास? इसका देखो बोल रहा हूँ बोल दिया भैया आवाज, हाँ उनको समझ नहीं आएगा पहले मुश्किल। याद जब जब करूं मैया पद्मावती, मुझे आकर के दर्शन दे जाया करो, दिल पे हर पल तकूं तेरी तस्वीर में, रात को मेरे सपनों में आया करो। हंस पे चल के आ जाओ माँ पद्मावती,
I'm
शिष्य शिष्य वाले
Bye.
परमेश्वराय पारस परमेश्वराय पारस चिंतामणि पारस मनसापूरण च पारस सर्वं पारस जीवनमयस पारस 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 प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा
प्रार्थना भगवान की।
चल रहा है और मकर सप्तमी भी आने वाली है। तो आइएगा हरिदेवी के हमारे आशीष भैया और भाई साहब आप भी आइएगा, समीर शिखर में जाने के भाव बनाते हैं और कहते हैं गुरुवालो वहाँ पर हमारा मन कर रहा है। Bye.
Oh.
जो जो भावों से मनाता है वो उनके दृष्टि को जानते हैं। आइए Thank you.
यहाँ माँ के शरणों में बैठे हैं, एक माँ हमारी ये बैठी है और एक माँ हमारी ये बैठी है। ये माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये माँ जो पूरे जगत को चलाती है। लेकिन कुछ वक्त ऐसे हो जाते हैं जो घर में बैठी माँ की तो इज्जत नहीं करते, लेकिन माँ पद्मावती के शरणों में आकर चप्पल भोग भी लगाते हैं, साड़ी भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार भी चढ़ाते हैं। मेरे जैसे कुछ भक्त हैं ऐसे कि जो माता पिता की इज्जत नहीं करते, लेकिन 80% ऐसे है जो अपने माता पिता को अपने सरकारदास मानते हैं, उन्हीं के ऊपर ये दुनिया चली हुई है। पर अपने माता पिता के लिए जो डाल डाली बजा, एक बड़ा सुंदर भजन है लिखा है शामली से, लचक जी है, बड़ा सुंदर लगेगा आपको, उम्मीद करता हूँ। उस माँ के शरणों में जिस माँ ने हमें जन्म दिया,
खुश करना है तो इसको खुश करना है तो ले ले तू माँ की दुआ पर वो बड़ा सोच रहे हो करेगा
नहीं होता है, यहाँ कांड पीट की कोई बात नहीं होती। मैंने कहा सुनो गलत कभी मत रहना, हम भी जैन धर्म को जानते हैं, हम भी थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं। वो काटने से मतलब अगर तुम गलत करोगे तो गलत वो शाबाशी देंगे क्या? काटने से मतलब ये है कि अगर गलत करोगे तो सजा मिलेगी, हम नहीं मिलेगी तो अगले भगवान मिलेगी, ये तो कहता है दर्शन। मैंने कहा उस बात को सोचो, और दूसरी बात अगर डर लगता है तो करते क्यों? ज्यादा उड़ने वालों के पर वो बोलो डरने की बात नहीं, तुम्हारे नहीं कटने की। अगर पुण्य का मार्ग था यहाँ 50 सौ की करके आप करोगे खुश हो जाए पर वो
दोबारा बोलना पड़ रहा है, समझ में नहीं। कर्मों की खोलिया पल भर में ही गांठ देता है, जय दर्शन में कर्म ज्यादा उड़ने वालों के पर वो ज्यादा उड़ने वालों के पर वो
जमाते ही अनंत प्रकार से, और आप उसे बहुत से भक्त ऐसे हैं कि जो खड़े वेशन नहीं हुए लेकिन मन से ही आते हैं तो सब दिखते हैं, क्योंकि बार बार किसी को जबरदस्त बुलाया नहीं जा सकता, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो अपने मन से रिपीट होता है, और वो जिससे जो मिल रहा है वो सब स्वार्थी तो हमें नहीं मिलता है, आते हैं तो इसमें है तो धन्यवाद की भावना से आते हैं। Thank you.
देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।